हे फ्रेंड्स देखिए जब से अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से अडानी के लिए कोई भी न्यूज़ कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं रही हमेशा नेगेटिव ही रही और ये जो हैं जहाँ कहीं तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे अब ये पहुँच गए हैं सातवें नंबर पर तो बहुत नुकसान इनको हुआ तब से और अब जा लेकिन कुछ अच्छी न्यूज़ इनके लिए आ रही हैं वो क्या हैं सब देखेंगे जिस कारण से देखिए आज कुछ शेयर इनके पॉजिटिव भी हैं कल भी पॉजिटिव थे और कुछ शेयर जो अभी नेगेटिव में हैं वो भी कुछ समय के बाद हमें फिर से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं तो देखते हैं क्या रिपोर्ट है लेकिन देखिए उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि अडानी की ओर से क्या एक्शन लिया गया तो जो हमारा तीस जनवरी है संडे को इनकी साइड से एक चार सौ तेरह पेज की एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि ये अटैक जो है ये एलिगेशन जो हैं ये हमारे ऊपर झूठे लगाए गए हैं और ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं ये इंडिया के ऊपर अटैक किया गया है इस बयान के बाद भी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दिया हमें थोड़ा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा नहीं फिर भी बहुत सारे शेयर सिर्फ़ एक अडानी इंटरप्राइजेज को छोड़कर और अडानी पोर्ट को बाकी सारे शेयर इसके नेगेटिव में चले लेकिन अब जाकर एक ये गुड न्यूज़ निकल के आई है इसकी जिससे कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट फ्यूचर में पड़ सकता है इस पर लेकिन देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह इसमें नहीं है सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखिए अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर कोई भी आप डिसीज़न ना लें क्योंकि सिर्फ ये रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है तो देखिए इन्हें जो है एक इन्वेस्टमेंट मिली है और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद शेयर भी अच्छी वैल्यू पर लगभग आ गए हैं और यू ने UAE यू ए से 400 मिलियन डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी मिली है तो इससे लगाया जा रहा है एक अंदाज़ा कि अब पॉजिटिव कुछ हो सकता है कंपनी में यहाँ देखिए बताया गया है कि गौतम अडानी को जो है चार मिलियन डॉलर यानी कि तीन हज़ार दो सौ साठ करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से और इससे मिलने वाली ये बहुत बड़ी एक रकम है इस समय तो ये जो इन्वेस्टमेंट मिली है ये इसके लिए संजीवनी का काम कर सकती है और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि साठ साल के जो गौतम अडानी हैं ये जो हैं अभी आठवें पोजीशन पर आ चुके हैं जब से कि चौबीस तारीख से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद से इससे पहले ये तीसरे नंबर पर थे और अब जो हैं जो हमारे सेकंड रिसर्च पर्सन हैं मुकेश अंबानी जी इंडिया के उनमें और इनमें सिर्फ चार बिलियन डॉलर का ही अंतर रह गया है और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है अबू धाबी की इनकी साइड से बयान आया है चार मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट ये, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेज में इसका जो एफ है उसमें और देखिए इसके आने से जो है एक पॉजिटिव साइन तो ज़रूर कहीं ना कहीं होगा इन्होंने एक बयान दिया है अपना कि ये कॉन्फिडेंट हैं इसके फंडामेंटल्स में तो इसके फंडामेंटल्स इनको अच्छे लगते हैं किसके भला ये है अडानी इंटरप्राइजेज की बात हो रही है तो इसीलिए इन्होंने 400 बिलियन डॉलर का 400 मिलियन डॉलर का ये इसने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत